इसे प्रेस करेंगे। वाह, बहुत ही सिंपल क्लीन इसका लुक है। यहाँ पे आप लिक्विड डाल सकते हैं या वॉशिंग पाउडर डाल सकते हैं। So, hey guys, welcome back to the new blog. Guys, आज इस ब्लॉग में हम लोग एक बॉक्स को अनबॉक्स करने वाले हैं। इस बॉक्स में हमारे पास है LG का फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो कि व्हाइट कलर में है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है और इसका क्या क्या फीचर्स है। प्लास्टिक को हटाएंगे। So, ये रहा वो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो कि व्हाइट कलर में है और बहुत ही प्रीमियम दिख रहा है। So, यहाँ पे है एक LG का लोगो जो कि ये ग्लॉसी फिनिश में है और ये रहा वो उसका नॉब जो कि एक ग्लास नॉब है और ये इसको टच करने पे ना बहुत ही प्रीमियम सा फीलिंग आ रहा है। ये यहाँ पे पाउज का बटन है, प्ले पाउज का। ये है यहाँ पे पावर का बटन और ये रहा वो डिस्प्ले जिसके अंदर शायद कुछ डिजिट्स यहाँ पे शो करेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल सकता है देखने को। तो दो तरीके का फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आता है। एक आता है जो कि टॉप लोडेड होता है, ऊपर से आप डाल सकते कपड़े को, और ये है फ्रंट लोडेड। इट मीन्स कि आप जो कपड़ा है वो इसको ये फ्रंट से डाल सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन पे आपको 10 इयर्स का वारंटी मिलता है इसके मोटर के ऊपर। और ये है 5-स्टार रेटिंग का वॉशिंग मशीन। इट मीन्स कि ये बिजली भी बहुत कम लेने वाला है आपका। और यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि कंजप्शन का होता है, पावर कंजप्शन का। तो बेसिकली ये इस तरीके से दिखता है। आप पूरा लुक देख सकते हैं इस वॉशिंग मशीन का, बहुत ही सिंपल क्लीन इसका लुक है और ये बहुत ही प्रीमियम लग रहा है सामने से देखने पे। आप भी अब इसको देख सकते हैं। और फाइनली ये है हमारा बैक साइड का लुक। तो यहाँ पे एक ड्रेनेज के लिए ये पाइप दिया हुआ है, इससे आपका गंदा पानी जो है बाहर निकलेगा। और ये मेटेलिक है, इसमें कहीं से भी चूहा वगैरह घुसने का कोई भी यहाँ पे चांस नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है क्योंकि इस तरह का मशीन में ना ये चीज़ प्रॉब्लम होता है। और ये पूरा मेटल का बॉडी है, आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं। ये पूरा मेटल का है, ये कहीं भी फाइबर नहीं है। फाइबर टॉप पे लग रहा है बट ये जो बैक साइड में है पूरा मेटेलिक है इसका लुक। ये है इसके टॉप का लुक और ये एक अलग तरह का पैटर्न जैसा दिख रहा है, डॉट डॉट पैटर्न है इसके अंदर। सो इसको इस तरीके से आप खोल सकते हैं और यहाँ पे वो कपड़ा जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये इसके अंदर पानी के लिए ये पाइप डाला हुआ है जिस आपके नल से कनेक्ट होगा ये पाइप। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दिया हुआ है, बस ये एक पाइप है बेसिकली इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में। और फिर यहाँ पे कुछ स्क्रूज़ है, इसको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ के लिए दिया हुआ है, कहाँ पर ये यूज़ हो सकता है इसका। और ये लॉकिंग सिस्टम है इसका यहाँ पर। ये है वो लिक्विड का जगह, यहाँ पे आप लिक्विड डाल सकते हैं या वॉशिंग पाउडर डाल सकते हैं इसके अंदर। सो बैक साइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर कि हमारे पास ना ये सिपिंग बोल्ट दिया हुआ रहता है, तो इसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। वो इसलिए दिया हुआ रहता है ताकि इंटरनल डैमेज कुछ ना हो पाए वॉशिंग मशीन के अंदर। जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जब इस वॉशिंग मशीन को शिफ्ट करते हैं तो उस केस में आपका इंटरनल डैमेज ना हो, इसकी वजह से ये दिया हुआ रहता है। तो पहले यूज़ करने से पहले इसे हम लोग को रिमूव करना पड़ता है। तो मैंने एक रिमूव कर दिया है यहाँ से और यहाँ पे हमारे पास और भी ये जो है सिपिंग बोर्ड्स यहाँ पे है, तो आप ये देख सकते हैं। और ये एक एक्स्ट्रा में ये रिंच दिया रहता है, तो इससे आप इसको अनस्क्रू करके आप रिमूव कर सकते हैं। स्क्रू को निकालने के बाद यहाँ पे जो रबड़ वाला दिया हुआ है इसे भी रिमूव करना पड़ेगा। तो आप जब इसे खींचेंगे बाहर की ओर तो ये आ जाएगा, तो ये इस तरीके से बाहर आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे एक सेफ्टी पर्पस से चूहा हुआ नहीं जाने के लिए या कोई कीड़ा मकोड़ा ना जाए उसकी वजह से यहाँ पे एक ढक्कन दिया रहता है। तो आपको इसको सिंपली इसको ऐसे पुश कर देना है तो ये जो गैप है वो फील हो जाता है पूरी तरीके से और ये पूरा सेफ हो गया, इसके अंदर कुछ भी चूहा हुआ नहीं जाएगा। तो ये रहा वो सेफ्टी बोल्ट्स, हमने चारों को रिमूव कर दिया है। आप इसे अच्छी जगह पर रख देंगे ताकि जब फ्यूचर में कभी इस वॉशिंग मशीन को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है किसी व्हीकल से, तो आपको फिर से इसे टाइट करना होगा ताकि ये सेफली एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ऑन करने से पहले इसे रिमूव करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। सो यहाँ मैंने इसे अपने प्लग में लगा दिया है और चलिए इसे अब ऑन करते हैं। तो ये रहा पावर बटन, इसे प्रेस करेंगे। वाह, मस्त एनिमेशन इसमें आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास ये एक एंटी रैट कवर है जो कि नीचे से लगेगा।
तो फिर ये हम लोग अभी लगाएंगे इस वॉशिंग मशीन में। और फाइनली ये था गाइस आज का हमारा ब्लॉग, जिसमें आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा वॉशिंग मशीन के बारे में। जब भी आप वॉशिंग मशीन खरीदो तो ये सब चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। और ये कैसा लगा आपको वॉशिंग मशीन, ये भी ज़रूर बताइएगा। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।